रसूल नबी करीम अलैहि वसहबी अजमाईन। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल एहसान से हम एक ऐसी जगह पे हाज़िर हुए हैं। ये पुराना बदर रोड है और इसको इस एरिए को ज़ातुल जैश के नाम से तारीख़ी किताबों में याद किया गया है। और ये जो खूबसूरत पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो वादियाँ हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस सिलसिले को जबलुल मफरहात कहा जाता है। ये एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीरत तय्यबा की किताबों से 7 या 8 दफ़ा क़याम साबित है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क़याम फरमाते थे। उमर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह क़याम फरमाने से खुशी और मुसरत हासिल होती थी। और चूँकि अरबी में खुशी को, मुसरत को फरहा कहा जाता है, तो इसलिए इसी नस्बत से इस वादी का नाम वादी मुफरहात सीरत की किताबों में आया है। ये अजीम शान मंतका जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम बाब है, जहां मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। इस अजीम इलाके की ज़ियारत के लिए आज किस्मत हमें यहां ले आई है। ये मंतका वादी बैदा जहां ख़त्म होती है, उससे आगे सनियतुल हफीरा आती है। जहाँ घाटी से नीचे उतरे तो ये मुकद्दरों वाला खित्ता ज़मीन अपनी रहमतें और बरकतें लुटाने के लिए आने वालों को अपने दामने करम में ले लेता है। ये बहुत मारूफ मकाम था जहाँ मक्कतुल मुकर्रमा या बदर शरीफ से आने वाले काफिलों का आखिरी पड़ाव होता था। इस घाटी में मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 8 मरतबा सफ़र फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम साबित है। इसी जगह ज़ातुल जैश वाक़े है, जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के दौरान कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की वज़ू और तयम्मम वाली आयात का नज़ूल हुआ। इसी जगह उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार गुम होने का वाक़या हुआ। और इसी सिलसिला में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताखीर हुई तो वज़ू और तयम्मुम की आयत का नज़ूल हुआ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सफ़र करते हुए इस वादी को शरफ़याब किया। ग़ज़वा बदर से जाते हुए आते हुए, इसी तरह फ़तह मक्का के लिए आते जाते, हज अकबर के लिए जाते हुए और ख़ास तौर पर ग़ज़वा तबूक से वापस आते हुए मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ। यहाँ पर वो वाक़यात हुए कि सहाबा इकराम जब मदीना तय्यबा से आ रहे थे तो लश्कर इस्लाम से पीछे रह गए। पीछे रह जाने वाले सहाबा जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने चेहरों की गर्द साफ करना चाही तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया कि खबरदार, ये मदीने की मट्टी है, इसे साफ ना किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। इसी मकाम पर एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे
तो फरमाया, ये रहा मदीना और ये जबल ओहद, जो हमसे प्यार करता है हम इससे प्यार करते हैं। ये वादी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी प्यारी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ़ ले आते तो मदीना तय्यबा की मोहब्बत और शौक़ में सरकार फरमाते कि मुझमें सब्र नहीं, मैं मदीना जाता हूँ, जिसका दिल करे बाद में आ जाए। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाक़ाए मुबारका को तेज़ कर देते। ये शौक़ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरह थी जो इस मकाम से आती थी। हजूर को इतनी फरहत होती थी कि मदीना के करीब आ गए हैं तो बाकी उम्मत को यकीनन फरहत होनी थी, लिहाजा इस पहाड़ी को जबल मुफरहात का नाम दे दिया गया है कि यहाँ पहुँचकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौके मदीना में खुशी महसूस होती थी। ये वादी हुज्जाज के काफिलों की महबूब क़यामगाह बन गई। बाद में जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज्जाज और काफिलों की सहूलत के लिए एक कुआं खुदवा दिया, जो आज भी इर्द गिर्द के देहात के लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी करता है। अहले मदीना वीकेंड पर या छुट्टियों में यहाँ आते हैं और खैमा जनी करते हैं कि यहाँ उन्हें खुशी महसूस होती है, और क्यों ना हो कि ये जगह मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरहत का बायस बना करती थी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। जनाब ये जंगली पुदीना है जो यहाँ पे पैदा होता है, जो मुझे अता हुआ है, सुभानअल्लाह। इसकी खुशबू सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, यानी ऐसी खुशबू मैंने आज तक किसी पुदीने में नहीं महसूस की जो इसमें है। और क्यों ना हो, ये मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली जगह है। यहाँ पे आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्याम फरमाया करते थे, सीरत की किताबों से हुज़ूर का क्याम साबित है। और आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे रुकना, सहाबा कराम का रुकना, इस वादी का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से फैज़याब होना, ये उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सुभानअल्लाह तोहफ़ा है। देखना आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल को सदियाँ गुजर गई और आज फ़कीर यहाँ पे हाजिर है इस चिलचिलाती धूप में, लेकिन यकीन करें यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। ये वादियाँ, ये नज़ारे जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा यकदस की ज़िया पाशियों से अपना हिस्सा वसूल किया, यह पहाड़ खुशकिस्मत हैं, ये ज़मीन खुशकिस्मत है जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा। ये पहाड़ सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये देखें नज़ारे करें, ये सामने ये देखें, अहले मदीना के लिए यहाँ से ट्रक्स आते हैं और पानी भर के लेके जाते हैं। इर्द गिर्द के इलाके से जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कुआं खुदवाया था, चूँकि काफिले यहाँ पर रुका करते थे उनके लिए, तो ये जनाब पानी लेके जाते हैं। ये पीछे जंगली पुदीना लगा हुआ है जो मुझे अता हुआ है, इसको मैं मदीना तैयबा शरीफ लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह इसको वापस इंग्लैंड में लेके आऊंगा। ये बरकत है यहाँ की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िया पाशियों से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से। जो इलाका भी मुनव्वर हुआ, जो चीज़ भी निस्बत जिसने पाई है वो बरकतों वाली है। ये वादी मुफर्रा है और सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये जो इलाका है इसको ज़ातुल जैश कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इस मकाम की बार बार हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए। इंशाल्लाह चूँकि हमारा जो सफ़र जारी है, अगले भी व्लॉग में एक नए मकाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
ہے۔